नमस्कार दर्शक बंधु, मैं दीपक होलीवाल, आप देख रहे हो लविंग लवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपना और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ख्याल रख रहे हो गए और अपने बच्च का। तो भाई, मैंने आपको बिल्डिंग की पहले प्रोग्रेस में दिखा दी थी पहले वाली वीडियो में, तो मैंने ये सेकंड स्टेप है कि अगर आपके चिक्स निकल गए हैं आपके लवबर्ड के एग्सों में तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मौसम और इस टाइम ठंडा हो रहा है, धूप भी बहुत कम होती है जिससे बर्ड्स को ठंड भी लग सकती है। और आप ढक के रखिए अपने केज को, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लगाइए और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना कि वेंटिलेशन थोड़ी हवा जाए, कि एकदम बंद ना किया जाए उसे, केज को थोड़ा वेंटिलेशन भी होना चाहिए केज में। तो भाई, मैंने ये 50 वाट का बल्ब इसमें लगाया है, आप देख सकते हो ये मेरे बर्ड्स है, उस केज उस मटकी में चिक्स निकल चुके हैं। तो भाई, मैंने ये 50 वाट का बल्ब लगाया है ताकि बर्ड्स को थोड़ा मौसम से राहत मिले, ठंडा हो रहा है एरिया चारों तरफ का खुले में। तो भाई, रात के टाइम आधा घंटा आप ये बल्ब भी जला सकते हैं, 50 वाट का बल्ब है गाइस। और गाइस, ऐसे ही बर्ड्स को केयर की जाती है कि बर्ड्स को अगर ठंड लग जाती है तो उसको कुछ गर्म चीज़ दी जाए और कुछ माहौल भी गर्म होना चाहिए। इस टाइम मैंने अपना बल्ब ही जला दिया है, इस टाइम मैंने तो जला के दिखाया बस आपको, बाकी रात के टाइम इसको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जलाया। अगर कॉलोनी के हिसाब से आप देखें कि बर्ड्स को भी सोना होता है, उनकी भी नींद होती है भाई हमारे जैसा, तो मैंने इस टाइम ही जलाया, आपको जला के दिखाया ताकि भाई बहुत से बंदे समझे कि झूठ तो नहीं है, ये पूरी सच बात है भाई। तो मैंने बल्ब जला रखा है 50 वाट का, और रात में 0 वाट का बल्ब लगाए अगर आपके चिक्स निकल चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत रोशनी हुए ताकि बर्ड्स अपने मटके में जा सके, रात में चिक्स को भी फीडिंग करा सके अगर भूख लगे तो। तो कैसे लगे मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकॉन प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके गाइस। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।